जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम नितेंद्र सिंह रावत के संपूर्ण मैराथन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने 27 मार्च 2022 को 2 घंटे 16 मिनट और 5 सेकंड के समय के साथ नई दिल्ली मैराथन जीती और आगामी कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। इस मैराथन रेस में भारतीय एलीट धावकों द्वारा भारतीय रोड रेस पर अब तक की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मैराथन दौड़ थी, जहां 8 धावकों ने 2 घंटे 20 मिनट से कम समय में मैराथन पूरी की और 6 धावकों ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के मैराथन क्वालिफिकेशन टाइमिंग को हासिल किया। नितेंद्र रावत ने रियो ओलंपिक 2016 मैराथन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वह टाटा मुंबई मैराथन 2016 और 2019 में भारतीय एलीट धावकों में विजेता है। उन्होंने 2015 और 2017 में एयरटेल नई दिल्ली हाफ मैराथन भी जीती है और कई रोड रेस में पोडियम फिनिशर रह चुके हैं। इस वीडियो में दिया गया उनका मैराथन ट्रेनिंग एक बहुत ही अच्छे मैराथन प्रशिक्षण सिद्धांतों पर आधारित एक बहुत ही सुनियोजित और संरचित मैराथन प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले नितेंद्र रावत वर्तमान में रानीखेत उत्तराखंड में ट्रेनिंग करते हैं, जो लगभग 1700 से 1800 मीटर हाई एल्टीट्यूड पर है। हम सबसे पहले नितेंद्र रावत के लॉन्ग रन्स के रणनीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मैराथन प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण वर्कआउट है। नितेंद्र सिंह रावत हर हफ्ते केवल एक लॉन्ग रन शुक्रवार की सुबह करते हैं। अपने लॉन्ग रन से पहले वह लगभग 3 से 4 किलोमीटर स्लो वार्म अप रनिंग करते हैं। लॉन्ग रन के बाद 1.5 से 2 किलोमीटर तक की स्लो कूल डाउन रनिंग भी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग रन 4 मार्च 2022 को मैराथन से 3 सप्ताह पहले की गई थी, जो कि 36 किलोमीटर की थी, जिसका पेस था 3 मिनट 50 सेकंड प्रति किलोमीटर। रेस से 2 हफ्ते पहले 11 मार्च को उन्होंने 3 मिनट 47 सेकंड की पेस से 30 किलोमीटर की लॉन्ग रन की। रेस से 1 हफ्ते पहले 18 मार्च को उनका लॉन्ग रन 3 मिनट 48 सेकंड की पेस से केवल 20 किलोमीटर का था। अंतिम 3 हफ्तों में लॉन्ग रन की दूरी को कम करने से पता चलता है कि रेस से पहले उनका टेपरिंग मैराथन प्रशिक्षण सिद्धांतों के अनुसार पूरी तरह से किया गया था। अपनी लॉन्ग रन के बाद जो एक बहुत ही कठिन कसरत है, वह शुक्रवार की शाम और शनिवार की सुबह आराम करते हैं और शनिवार की शाम को केवल 5 किलोमीटर तक ही वार्म अप करते हैं। कभी कभी शनिवार की शाम को भी आराम के लिए होती है। नितेंद्र रावत ने मैराथन से पहले सबसे लंबी दौड़ 15 फरवरी 2022 को की थी, जो लगभग 3 घंटे में 4 मिनट 26 सेकंड की औसत गति से 40 किलोमीटर की थी। नितेंद्र सिंह रावत के ट्रेनिंग प्रोग्राम की दूसरी सबसे उत्कृष्ट विशेषता एक लंबा वार्म अप सत्र है, जहां वह लगभग 5 से 6 किलोमीटर वार्म अप रनिंग करते हैं। वह स्पीड वर्कआउट के बाद 20 मिनट के लिए लगभग 4 किलोमीटर की स्लो पेस के साथ कूलिंग डाउन सेशन भी करते हैं। केवल एक बार जब वह वार्म अप और कूल डाउन नहीं करते हैं, तो वह 15-16 किलोमीटर के इजी सेशन के दौरान है, जो ज्यादातर बुधवार को 5 से 6 मिनट प्रति किलोमीटर की गति से किया जाता है। रनिंग से संबंधित इंजुरीज को रोकने के लिए वार्म अप और कूल डाउन का एक लंबा सत्र एक महत्वपूर्ण कारक है और ये वीकली रनिंग माइलेज को भी बढ़ाता है। नितेंद्र रावत हर हफ्ते सिर्फ 2 या 3 स्पीड वर्कआउट सेशन करते हैं, लेकिन ये स्पीड वर्कआउट रेस से सिर्फ 45 से 50 दिन पहले ही पेश किए जाते हैं। नितेंद्र रावत की मुख्य स्पीड वर्कआउट है 5 किलोमीटर के 2 रेपिटेशंस या 3 किलोमीटर के 4 रेपिटेशंस। 5 किलोमीटर स्पीड वर्कआउट रेपिटेशंस की गति लगभग 3 मिनट 4 सेकंड से 3 मिनट 6 सेकंड तक होती है।
और 3 किलोमीटर के इंटरवल रेपिटेशंस की गति 3 मिनट 15 सेकंड से 3 मिनट 20 सेकंड प्रति किलोमीटर होती है। नितेंद्र रावत का दूसरा मुख्य स्पीड वर्कआउट रविवार को किया जाने वाला टेम्पो रनिंग है, जो 15 से 20 किलोमीटर का होता है और 3 मिनट 14 सेकंड से 3 मिनट 20 सेकंड मिनट प्रति किलोमीटर की पेस से किया जाता है। एक और स्पीड वर्कआउट है फाटलेक प्रशिक्षण, आमतौर पर 15 से 16 किलोमीटर का होता है और गुरुवार को किया जाता है, जहां वह 1 किलोमीटर फास्ट और 1 किलोमीटर स्लो करते हैं। नितेंद्र रावत के स्पीड वर्कआउट की प्रमुख विशेषता यह दर्शाती है कि 400 मीटर या 1 किलोमीटर जैसे शॉर्ट रेपिटेशंस वर्कआउट के सत्र नहीं है। शाम के सत्र 30 मिनट में 5 से 6 किलोमीटर की स्लो रनिंग से वार्म अप के लिए है। वार्म अप रनिंग के बाद वो या तो कोर वर्कआउट करते हैं या स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट। नितेंद्र रावत कई तरह के कोर स्ट्रेंथनिंग और फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करते हैं। आप नितेंद्र रावत को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके उनके द्वारा की जाने वाली कई तरह की एक्सरसाइज देख सकते हैं। मंगलवार और शुक्रवार की शाम आराम का सत्र है और कभी कभी शनिवार की शाम भी विश्राम सत्र होता है। नितेंद्र रावत 5 से 6 मिनट प्रति किलोमीटर गति से बहुत इजी रनिंग सेशन करते हैं। उनके अधिकांश सोमवार और बुधवार के वर्कआउट बहुत आसान गति से किए जाते हैं। साथ ही सीजन की शुरुआत में बेस पीरियड के दौरान लगभग सभी रन 5 से 6 मिनट प्रति किलोमीटर की आसान गति से किए जाते हैं। ज़्यादातर रन पहाड़ी रास्तों पर किए जाते हैं, जो पैरों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अंतिम 2-3 हफ्तों में नितेंद्र रावत ने मैराथन से पहले काफ़ी इजी रनिंग सेशंस किए और माइलेज और लंबी रनों की दूरी को कम करके उचित तरह से टेपरिंग की। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको मैराथन से पहले पिछले 3 महीने का नितेंद्र रावत का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्ट्रावा ऐप पर नितेंद्र रावत को भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन यूट्यूब चैनल के साथ नितेंद्र रावत के इंटरव्यू का एक बहुत ही जानकारी पूर्ण वीडियो भी है, जिसके लिए मैंने नीचे विवरण में लिंक दिया है। उनका सैंपल वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इस वीडियो में दिए गए कार्यक्रम के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।